अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बी श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स और मदर्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे अल्लाह के फ़ज़ल और रहमत से। सबक, पिछला सबक आपने याद कर लिया होगा इंशाअल्लाह ताला। कल हमने सूरह बकरा का सातवां रुकू पढ़ा था, जिसमें दो आयतें थी, आयत 60 और 61। आज हम सूरह बकरा का आठवां रुकू शुरू करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस रुकू की पहली पांच आयतों का मुतालिया करेंगे आज हम इंशाअल्लाह ताला। तो इन पांच आयत में भी बनी इसराइल का ही जिक्र है। तो शुरू करते हैं अपना सबक, देखते हैं कि आज की आयत में बनी इसराइल के किन वाक़यात को बयान किया गया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون। سورة بقرة کی آیت نمبر 62، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں إن الذين وہ جو आमन व ईमान लाए, वल्लज़ीना और वो जो हादू यहूदी हुए, वन्नसारा और ईसाई, वस्साबईना और साबई यानी सितारा परस्त लोग, मन जो आमना ईमान लाया, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और आखरत के दिन पर, व आमिला सालिहन और उसने नेक अमाल किए, फलाहुम पस उनके लिए, अजरुहुम उनका अजर है, इंदा रब्बिहिम उनके रब के पास, वला खौफुन उन्हें कोई खौफ नहीं होगा, वला हुम यहज़नून अलैहिम ना उन पर कोई खौफ होगा, वला हुम यहज़नून और ना वो गमगीन होंगे। तो इसमें आखिरत में कामयाबी का क्या अल्लाह ताला ने क्राइटेरिया बताया है कि जो कोई ईमान वाला हो और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जो यहूदी और ईसाई थे या जो साबई थे, क्योंकि उन तक तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम अभी पहुंची ही नहीं थी और वो उसी अपने पुराने दीन की ही हालत में फौत हो गए, तो वो जो उनके नबी ने जो उन्हें तालीमात दी थी उन पे ईमान लाने वाले जो थे, आमानू से मुराद है इन सारे मजाहिब के जो मानने वाले हैं, जो अपने नबी को मानते थे, अपने वक्त के नबी को। आपको पता है कि हर ज़माने के लिए अलग अल्लाह ताला ने नबी और रसूल बना के भेजे हैं, जो अपने अपने इलाके और अपने अपने वक्त के लिए, मखसूस वक्त के लिए आए थे। और जो लोग उन नबियों पर ईमान लाए, उनकी तालीमात पर ईमान लाए, उनका जिक्र इस आयत में आता है कि वो लोग भी जो, क्योंकि आपको पता है कि हर नबी की तालीम थी, तीन बुनियादी जो अकायद थे वो हर नबी की तालीम थी, अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान और रसूलों पर ईमान, किताबों पर ईमान, किताबों और रसूलों पर एक ही बात है। तो जो जो लोग अपने अपने नबी के ज़माने में उनकी तालीमात पर अमल करते रहे, उन पर ईमान लाते रहे और अल्लाह ताला पर ईमान उन्होंने रखा और जो में आखिरत को वो मानते रहे, उनके लिए अल्लाह ताला ने यहाँ निजात की खुशखबरी दी है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद जो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए, उनके लिए ऐसा कोई वादा नहीं है। हमारे यहाँ हमारे माशरे में कुछ लोगों को ये मुगालता है, वो कहते हैं कि इस आयत में रसालत का जिक्र नहीं है, कि अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि जो रसूलों पर ईमान लाए, अल्लाह ताला ने सिर्फ कहा कि जो अल्लाह पर और यौम आखरत पर ईमान लाए, दो ही चीज़ें चाहिए हमें आखरत में कामयाबी के लिए। तो ये उनका मुगालता है, गलत फहमी है उनकी। वल्लज़ीना आमनू में सारे आ जाते हैं ईमानियात, वल्लज़ीना आमनू जो ईमान लाए, मतलब जो अल्लाह ताला ने जो भी अहकाम दिए हैं उन सब पर ईमान लाए, और अपने अपने वक्त में हर नबी ने वही अहकाम दिए थे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिए। तो जो लोग ईमान लाए, मतलब हर उस चीज़ पर जो नबी ने कहा उस पर ईमान लाए, तो नबी पर ईमान लाना उसमें शामिल है, ये अंडरस्टूड है, इसको हम निकाल नहीं सकते इस आयत में से। तो ये जो लोग इस तरह की तर्जमे और तफसीरें कर रहे हैं वो इंतहाई गलत कर रहे हैं और अल्लाह रसूल की नाराज़गी का बायस है ये बात, क्योंकि ईमान लाने में अल्लाह रसूल पर ईमान इकट्ठा है, अलग हो नहीं सकता।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह पाक की खबर दी और अल्लाह ताला ने तो कुरान में साफ अल्फाज में बता दिया, मन युतीर रसूल फ़कद अता, जिसने रसूल की अतात की उसने दर हकीकत अल्लाह की अतात की। और फिर अल्लाह ताला ने फरमा दिया वमा जानती को अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, नबी तो अपनी ज़ुबान से कुछ नहीं कहता, वही कुछ कहता है जो उसको वही की जाती है। तो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, बार बार अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह की अतात करो और रसूल की अतात करो। लिहाजा इस आयत में से जो लोग रसूल को निकालते हैं वो शदीद गलतफहमी का शिकार हैं और वो गलत कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो आप लोग ये बात समझें कि इस आयत को वो बुनियाद बना के तो रसालत के मुनकर बन रहे हैं। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, आप लोगों ने उन्हें समझाना है कि नहीं भाई, अल्लाह ताला ने जब आमन कह दिया तो उसमें ईमान सारे आ जाते हैं, सारे ईमानियात आ जाते हैं उसमें। तो अपने अपने वक्तों में हर नबी ने रसालत की भी तबलीग की थी, आखरत की भी की थी और तौहीद की भी की थी। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ रसालत का जिक्र नहीं है वादे तौर पर, लेकिन अंडरस्टूड है कि रसालत इसमें मौजूद है। अच्छा, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन अल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबईन, जो ईमान लाए, चार फिरके यहाँ बता दिए, जो ईमान लाए, ईमान वाले तो जो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद अल्लाह पर, रसूल पर, किताब पर, फरिश्तों पर, आखिरत पर ईमान लाता है वो ईमान वाले हैं, मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले ईमान वाले हैं। वल्लज़ीना हादू, जो यहूदी हैं, वन्नसारा जो ईसाई हैं, वस्साबईन और जो साबई हैं, जो ख़ुद को तो ईद परस्त कहते थे पहले लेकिन बाद में वो सतारा परस्त बन गए थे, लेकिन वो उनमें से भी जो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद ईमान लाए नबी पर वो ठीक हैं, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले या हज़रत मूसा या हज़रत ईसा के आने से पहले फौत हो गए बस वो शामिल हैं इनमें। और यहूदियों में वो लोग शामिल हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले फौत हो गए, हज़रत ईसा के आने के बाद जो उन पर ईमान नहीं लाए तो वो भी कामयाब नहीं है। ईसाइयों में से वो लोग शामिल हैं इस आयत में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले हज़रत ईसा पर ईमान रखते थे और उस हालत में वो फौत हुए और सच्चे वो ईमान लाने वाले थे, यही हाल साबईन का है। फिर फरमाया मन आमना, जो कोई ईमान लाए बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी आखरत के दिन पर, व आमिला और अमल करे सालेहन नेक, फलाहुम पस उनके लिए अजर, अजरुहुम उनका अजर है इंदा रब्बिहिम उनके रब के पास। अब अजर क्या है ये तो कुरान और हदीस से हमें पता चलता है कि वहाँ पे कितने अजर अल्लाह ताला ने रखे हैं अमाल के कि हम सोच भी नहीं सकते, इतने ज़्यादा अजर अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं। वला खौफुन अलैहिम, उन पर ना कोई खौफ होगा, वला हुम यहज़नून और ना वो गमगीन होंगे, यही बड़ा अजर है कि आखिरत में रोज़े में अशर किसी को खौफ ना हो, कोई गमगीन ना हो, इससे बड़ा अजर क्या होगा। फिर फरमाया वा इज आखज़ना, वा और इज जब आखज़ना हमने लिया मीसाकुम तुम्हारा पुख्ता अहद, तुमसे पुख्ता अहद, जब अल्लाह ने तुमसे पुख्ता अहद लिया। अब ये फिर बिगड़ी हुई है कौम, पहले इनको माफ़ किया था अल्लाह ताला ने, इन पे इनामात किए थे, इनको पानी दिया था, और अब इन्होंने फिर वही शुरू कर दी हरकतें, अल्लाह ताला की नाफरमानी शुरू कर दी, तो अल्लाह ताला ने फिर से इनसे मिसाक लिया, फिर इनसे वादा लिया बनी इसराइल से। और फिर कैसे वादा लिया, बराफाना और बुलंद किया हमने फौकाकुम ऊपर तुम्हारे अत्तूर तूर पहाड़ को, अल्लाह ताला ने तूर पहाड़ उनके ऊपर मुअल्लक कर दिया पूरे कौम पर, कौम बनी इसराइल पर तकरीबन 6 लाख लोग, उन पे अल्लाह ताला ने कोहे तूर को बुलंद कर दिया, मुअल्लक कर दिया, अभी गिरा ही गिरा बस। तो फिर डर गए, फिर कहने लगे या अल्लाह हम ईमान लाते हैं, हम वादा करते हैं आइंदा हम कोई नाफरमानी नहीं करेंगे, लेकिन ये उनके वादे सिर्फ ज़ुबानी कलामी ही निकले बाद में। अल्लाह ताला ने फरमाया व इज़ आखज़ना, और जब हमने लिया मीसाकुम अहद तुम से, व रफ़ाना और बुलंद किया हमने फौकाकुम ऊपर तुम्हारे अतूरा तूर पहाड़, फिर फरमाया खुजू पकड़ो माँ जो आतई नाकुम हमने तुम्हें दिया है बेकुवत इन मजबूती से, अल्लाह ताला ने उन्हें क्या दिया है, उन्हें तौरात दी है और अपने अहकाम उन्हें तालीमात दी हैं कि इन पर अमल करो,
नमाजें दी हैं, ज़कात दी है, और इसके अलावा जो ईमानियात हैं वो दी हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया इनको मजबूती से पकड़ो, अब जो चीज़ें मैंने तुम्हें दी हैं अमल करने के लिए, दुनिया में रहना है तो सीधी तरीके से रहो, सिराते मुस्तकीम पर रहो, अपने दिमाग से और शैतान से और अपने नफ्स के हवाले से ना चलो, अल्लाह ताला के हुक्म को मानो, उसने तुम्हें बनाया तो वही बेहतर जानता है कि तुम कैसे चलोगे तो सही रहोगे आखिरत में। तो जो मैं कहता हूँ उस तरह करो, लेकिन इंसान का मकल है। अल्लाह ताला ने फरमाया ये वाक्या कुरान पाक का वाक्या रफा तूर कहलाता है। वाक्या रफा तूर, जब तूर पहाड़ को बुलंद किया था यहूदियों पे, उनसे पुख्ता अहद लिया था अल्लाह ताला ने। फरमाया भाई अख़ज़ ना मीसाक़कुम, जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया, वरफ़ाना फ़ौकुकुम तूर, और तुम पर कोहे तूर को बुलंद कर दिया, खुज़ू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन, हमने कहा कि पकड़ो इसको जो हमने तुम्हें दिया है मजबूती से, वज़कुरु, और याद कर लो इसे, अच्छी तरह याद कर लो, माँ जो फी ही इसमें है, लअल्लकुम, शायद के तुम तत्तकून, परहेजगार बन जाओ, जो कुछ इसमें है तो रात में उसे अच्छी तरह याद कर लो, उस पर अमल करो, ताकि शायद के तुम परहेजगार बन जाओ या डरने लग जाओ अल्लाह ताला से, मुत्तकी बन जाओ। सुम्मा फिर तवल्लई तुम फिर गए, यहूदी फिर गए अपने अहद से। सुम्मा फिर तवल्लई तुम फिर गए, मिन से बाद ही बाद, जालिका इसके, अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम इसके बाद फिर गए अपने कॉल से, फलौला पस अगर ना, फा पस लौ अगर ला ना, फजलुल्लाही अल्लाह का फजल, अलैकुम तुम पर, अला पर कुम तुम, वरहमतुहु और उसकी रहमत, लकुन तुम, ला यहाँ लाम यहाँ लाम ताकीद है, लकुन तुम तो तुम ज़रूर हो जाते, मिनल खासरीन खसारा पाने वालों में से, नुकसान उठाने वालों में से, घाटा पाने वालों में से। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला का तुम पर फजल ना होता तो तुम नुकसान उठाने वालों में से हो जाते। तो दुनिया में भी उन्हें नुकसान होता, हालांकि अल्लाह ताला ने दुनिया में उन्हें बड़ी नेमतों से नवाजा और अल्लाह ताला ने बार बार उन्हें संभलने का सुधरने का मौका दिया, लेकिन वो कौम नहीं सुधरी। फिर फरमाया वाला कद और तहकीक, अलिम तुमने जान लिया, अल्लादीना उन लोगों को, ना तदाओ जिन्होंने ज्यादती की, जिन्होंने खिलाफ वर्जी की, मिनकुम तुम में से, फिस सबती हफ्ते के दिन के बारे में, फकुल ना पास हमने कहा, लहुम उनसे, कूनू हो जाओ, किरादतन बंदर खासेहीन, जलील और रुस्वा, जलील या रुस्वा। यहाँ पे बनी इसराइल की एक और नाफरमानी का जिक्र आता है। अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि तुम हफ्ते के दिन की हुरमत को, हुरमत का ख्याल रखो, हफ्ते का दिन तुम्हें इबादत के लिए दिया गया है। इस वाक्य को वाक्य सब्त के नाम से लिखा जाता है, तो हफ्ते सब्त हफ्ते के दिन को कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया बनी इसराइल से कि तुम लोगों ने हफ्ते के दिन मछलियां नहीं पकड़नी, कारोबार नहीं करना, तुम लोगों ने हफ्ते के दिन इबादत करनी है, ये दिन मखसूस है इबादत के लिए, छुट्टी का दिन है। जैसे हमारे यहाँ जुमे का दिन ख़ास इबादत की जाती है और नमाज से पहले कारोबार वगैरह छोड़ देने का जिक्र अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक में कि नमाज की तैयारी करो, नमाज पढ़ने जाओ। इसी तरह यहूदियों को भी कहा था कि तुम लोगों ने हफ्ते के दिन इबादत करनी है, मछलियाँ नहीं पकड़नी, उनकी कारोबार उनका मछलियाँ पकड़ के बेचते थे वो। अब इन्होंने क्या किया, ये अजली कम अकल लोग, नाफरमान लोग, इन्होंने समंदर के किनारे हौज बना लिए और नालियां बना ली। अब एक और आजमाइश थी कि हफ्ते के दिन मछलियां भी ज़्यादा आती थी दरिया में। अब जब मछलियां ज़्यादा आती थी बहुत ज़्यादा तादाद में, तो वो नालियों के ज़रिए उन हौजों में गिर जाती थी। तो अगले दिन ये लोग इतवार को फिर हौजों में से निकाल लेते थे और वो इस्तेमाल में लाते थे, खरीदो फरोख्त करते थे। इस तरह से उन्होंने अल्लाह ताला को डॉज देना नाउज़ बिल्लाह शुरू कर दिया। तो अल्लाह ताला तो जानता है, वो तो दिलों के राज जानता है। तो अल्लाह ताला ने फिर उनको ये सजा दी कि उनको बंदर बना दिया। जब उन्होंने ये हरकत की, अगले दिन सुबह उठे, एक दूसरे की तरफ देखें कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ, एक दूसरे को, सबके चेहरे बदले हुए थे। और कुछ लोग कहते हैं, जैसे तफ़ीमुल कुरान में सैयद मौदूदी ने लिखा है कि ये लोग 3 दिन तक ये इस हालत में रहे और उसके बाद मर गए सारे, ऐसे लोग जिन्होंने नाफरमानी की थी।
अब इनमें भी तीन गिरोह हो गए थे यहूदियों में। एक गिरोह वो था जो मछलियाँ उसमें हौजों में डालने के लिए काम किया, उन्होंने नालियाँ बनाई समंदर के किनारे और हौजों में मछलियाँ डाली, यानी नाफरमानी की पक्की पूरी। और कुछ लोग ऐसे थे जो खुद तो नहीं करते थे ये काम, लेकिन उनको मना भी नहीं करते थे, उनको रोकते भी नहीं थे ऐसी हरकत करने थे। और एक तीसरा गिरोह था जो खुद भी नहीं ये काम करते थे और जो इनको भी मना करते थे कि ऐसे काम ना करो, ये अल्लाह की नाफरमानी है, अल्लाह ने हमें मना फरमाया इस दिन काम करने से, तिजारत करने से, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। तो अब तीन गिरोहों में से कहते हैं कि दो गिरोहों पे अजाब आया था और तीसरा गिरोह जिन्होंने ये अमल नहीं किया और दूसरों को भी मना करते रहे, यानी अमर बिलमारूफ और नहीं अनिल मुनकर करते रहे, उन लोगों पर सिर्फ अजाब नहीं आया था, वो बच गए थे लोग। और जिन लोगों ने नाफरमानी की और जिन लोगों ने नाफरमानी करने से रोका नहीं उनको, उन दोनों गिरोहों को अल्लाह ताला ने बंदर बना दिया था। और मौरखीन और मुफस्सरीन के नज़दीक फिर दो तीन दिन बाद, तीन दिन बाद ये लोग मर गए थे सारे के सारे। ये इन पर अजाब आया था बनी इसराइल पर, इस तरह इन्होंने हफ्ते के दिन की बेहुरमती की थी। फिर फरमाया फजाल नाहा, हम बस बना दिया हमने इसको, इस वाक्या को, हा इस वाक्या को, नकालन इब्रत, नसीहत इब्रत, नकालन लिमा लिए जो, बेना दरमियान, यदई हा दोनों हाथों के, दोनों हाथों के दरमियान मतलब हमारे सामने मौजूदा नस्ल के लिए, मौजूदा दौर के लिए, दौरे हाजिर के लिए अल्लाह ताला ने उनको इब्रत बना दिया था। वमा और जो खल्फा हा उनके पीछे बाद में आने वाले, यानी हम लोग जो हम कुरान से पढ़ के तो हमें पता चल रहा है कि उन्होंने ये कुछ किया था, तो बाद में आने वालों के लिए अल्लाह ताला ने और जो उनके सामने थे सब के लिए उन लोगों को इबरत बना दिया कि ये देखो नाफरमानी का ये नतीजा निकलता है। अल्लाह ताला की इन्ना बादशाह रब्बी का लशदीद, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, अल्लाह ताला सब पे रहम फरमाए। वमौइज़्ज़तन लिल्मुत्तकीन, और नसीहत है परहेजगारों के लिए, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जो परहेजगार हैं, नेकुकार हैं, उनके लिए इस वाक्य में नसीहत है कि उन्होंने ये देख के ही वो डर गए कि ऐसा काम हमने नहीं करना, अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करनी। ये हमारी आज की पांच आयतें थी सूरह बकरा की, रुकू नंबर 8 की आयत नंबर 62 से 66 तक आज हमने मुताला किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें भी बनी इसराइल के हमने हालात पढ़े और उनकी नाफरमानियाँ देखी, और हमें इससे यही सबक मिलता है कि हमने वो नाफरमानियाँ नहीं करनी जो कौम बनी इसराइल ने अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ की, और हमेशा अल्लाह ताला की अतात में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पे चलने की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह ताला। चले ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल इंशाअल्लाह ताला बाकी की आयात पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।